छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार फिर सांसदों की टिकट कट सकती है या नहीं कट सकती है, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। देखिए, कुनकुरी विधानसभा का विधायक बनने के बाद क्षेत्र के मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने का एक काम था। 2.5 महीने में हम यहाँ पर आ नहीं पाए थे, थोड़ी देरी भी हुई, लेकिन आज क्षेत्र की जनता को, मतदाताओं को धन्यवाद दिए हैं उनके आशीर्वाद के लिए। और उनका विधायक आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है, और आज यहाँ पर एक गायत्री मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का भी काम है, और एक रौनियार समाज का भवन, जो हम पहले सांसद थे उस समय भवन के निर्माण के लिए पैसा दिए थे, लेकिन वो 5 साल 6 साल में बन के 7 साल में बन के तैयार हुआ है, तो वो भी एक अच्छा काम है। हम दिए थे तो हम ही उसका आज उद्घाटन भी करेंगे। तो इस तरह से आज कुल मिला के क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देने का कार्यक्रम था। बड़ी घोषणा की आपने, जिला लिंक कोर्ट की घोषणा की, तपकरा सर आपका पहला कर्मभूमि रहा है जी, तपकरा के लिए कोई बड़ी घोषणा सर? तपकरा के लिए बड़ी घोषणा के रूप में आज यहाँ एक मंगल भवन की घोषणा किए हैं। वो 50 लाख तो हम किए हैं, लेकिन उसको हम बोले हैं कि और अच्छा भी करिए, वो पैसे का कोई कमी होने नहीं देंगे, और उसमें गरीब लोगों का शादी ब्याह भी हो जाए तो ये सब उस हिसाब से एक अच्छा सामुदायिक भवन रहेगा, सर सुविधायुक्त होगा, और शादी ब्याह भी गरीबों का उसमें निपट जाए, इस तरह का होगा, और बाकी जो भी आवश्यकता होगी वो सब करेंगे। सर तपकरा पहले ब्लॉक हुआ करता था, ब्लॉक के बाद फिर अब ब्लॉक नहीं है सर, तपकरा को ब्लॉक बनने की मांग बहुत पहले से चल रही है। देखिए ब्लॉक तो पहले भी था, आज भी है, खाली मुख्यालय पहले तपकरा था जो कि मतलब फरसा बाहर चला गया है, और विकासखंड बनाने का काम ये भारत सरकार का रहता है, तहसील और जिला बनाने का काम प्रदेश शासन का रहता है, और आवश्यकता होगी कभी तो आगे हो सकता है। सर भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने एक कार्यक्रम किया था, और उसमें कई सारे हिंदू समुदाय और आपके ऊपर भी व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की थी, उसमें FIR हुई है, गिरफ्तारी कब होगी आपकी जानकारी में मामला है? अब ये सब पुलिस प्रशासन का काम है, अब वो लोग जो उचित लगता है वो करते हैं। सर महिला दिवस पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे प्रथम किस्त जारी होगी महतारी बंधन का, बहुत से हितग्राही सर छूट गए, उनके लिए क्या डेट आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए ये एक योजना है महतारी बंधन योजना, और ये सतत अब चलेगा। अभी तो फार्म भरवाए थे जिसका एक तिथि नियत था, जिसमें 72 लाख से ज़्यादा महिलाएं फार्म भरी थीं और उनका स्क्रूटनी हुआ, तो उसमें 72,14,000 फार्म वैध पाए गए हैं, जिनको कि मतलब पहला किस्त चला जाएगा, लेकिन जिनका भी छूट गया है, जो फार्म नहीं भरे हैं, वो आगे आने वाले समय में भर सकते हैं, और उनकी फिर से स्क्रूटनी होगी, पात्र होंगे, तो उनका महतारी बंधन योजना में पैसा जारी होगा। सर लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इस बार कितने सांसदों की टिकट कटने वाली है सर? सांसद लोगों का टिकट कटेगा, क्या करेगा, ये तो दिल्ली की बात है, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये निर्णय हो जाएगा कि इनको कहाँ से लड़ाया जा रहा है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री के नाते इतना कह सकता हूँ कि इस बार हम लोग 11 की 11 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से जिता के दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।